हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बीच में होने वाले फर्स्ट T20 मैच का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है, ये सभी को पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ का जो सीरीज चल रहा था, पहले साउथ अफ्रीका से था, फिर ऑस्ट्रेलिया से था, अब जो है वो पाकिस्तान से, और इसके बाद जो है वो CPL स्टार्ट होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है दोनों टीमें परफॉर्म करेगी, किस तरह से जो है दोनों टीमों का रहेगा, किस तरह से पिच रिपोर्ट रहेगा, क्या क्या प्लेइंग इलेवन हो सकते हैं, और लास्ट में आपको जो है किसी भी फैंटासी लीग के लिए बहुत सारा जो है वो आपको नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आपको जो है द हंड्रेड से रिलेटेड, TNPL से रिलेटेड और जो भी इंटरनेशनल मैसेज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। और साथ ही आप इसके अलावा जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कॉल पर पिटीशन सर्च करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैच डिटेल्स की। तो ये जो होगा फर्स्ट मैच होगा पाकिस्तान जो सीरीज होगा वेस्ट इंडीज़ का, इसमें पहले जो है इनिशियली 5 T20 मैचेस थे, लेकिन ये T20 मैचेस जो है अभी एक जो है उसमें से कैंसिल कर दिया गया है और टोटल अब 4 T20 मैचेस होंगे और दो जो है वो टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये खेला जाएगा वेडनेसडे को और 28 जुलाई से जो है ये खेला जाएगा। टाइमिंग जो होगा 7:30 होगा और यहाँ पे केनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस पे जो है ये मैच खेला जाएगा। तो हम देखेंगे बारबाडोस का जो पिच रिपोर्ट है, एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिच है जहाँ पे फास्ट बॉलर को जो है थोड़ा सा ज़्यादा बनने मदद मिलता है शुरुआतिंग के टाइम पे, और वेस्ट इंडीज़ में ऐसे भी जो है वो आपको पिच जो है धीरे 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 स्लो जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो 20 ओवर है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पिच जो है वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो हाईएस्ट रन जैसे यहाँ पे हुआ है 155 रन, और जो लोएस्ट यहाँ पे डिफेंड हुआ है वो है 133 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और लास्ट 10 मैचों में यहाँ पर सिर्फ 3 चेस हुआ है और 7 जो है वो डिफेंड हुआ है। टोटल 17 मैचों में जो है आप देखोगे 12 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 5 जो है वो सेकेंड बैट जीता है। आंकड़ा बहुत ही डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे, और फर्स्ट बैट एवरेज जो यहाँ पे 154 है। अगर 154 से ऊपर रन लगता है तो डिफेंड होने के चांसेस जो है यहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 50 से नीचे जो है 7 स्कोर बने हैं, 50 से 70 के बीच में जो है यहाँ पे 150 से 70 के बीच में जो है 6 स्कोर बने हैं, और 170 से 90 के बीच में 3 स्कोर, और 190 से ऊपर जो है 1 स्कोर जो है यहाँ पे बना है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का। तो यहाँ पे बारबाडोस में आपको देखने को मिलेगा जो टेम्परेचर है 30 डिग्री रहने वाला है, बारिश चांसेस जो है वो 70% है। तो बारिश जो है सॉरी ह्यूमिडिटी जो है वो आपको 70% है, बारिश चांसेस 40% है। तो आपको जो देखने को मिलेगा कि कुछ नए इंटरप्शन जो है यहाँ पे हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉस सीजन की। तो टॉस सीजन में जो पाकिस्तान के चांसेस है कि टॉस जीतेगा, टॉस जीत के जो है बॉलिंग करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के में जो है किरण पोलार्ड लीड करेंगे, 18 मेंबर स्क्वाड जो है वो अवेलेबल है इस सीरीज़ के लिए। यहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो है लीड करेंगे और टोटल 19 मेंबर स्क्वाड जो है ये अवेलेबल है T20 के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग इलेवन के दोनों टीमों के। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो है आपको क्रिस गेल, इवन लिविज में से कोई एक जो है प्लेइंग इलेवन में रहेगा। इसके अलावा सिमरन हेटमेयर, लिंडन सिमंस, इसके अलावा जो किरण पोलार्ड, फेबिन एलन, डॉन ब्रेवो या जैसन होल्डर में से कोई एक रहेगा। इसके अलावा जो है आपको आंद्रे रसल, निकोलस पुरन, शेल्डन कॉटरेज, फिडेल एडवर्ड और आकिल हुसैन और रॉबर्ट मुकाई में से जो कोई एक जो है प्लेइंग इलेवन में रहेगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। यही हम पाकिस्तान की तरफ से बात करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है आपको बाबर आजम, इसके अलावा जो है आपको फखर जमान, शर्जील खान और आजम खान में से कोई एक जो है ये रहेगा प्लेइंग इलेवन में। इसके अलावा जो है आपको शुएब मकसद मकसूद देखने को मिलेंगे, मोहम्मद हाफिज़, सदाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा जो है आपको हरीश रऊफ, हसन अली और शाहीन अफरीदी जो है प्लेइंग इलेवन में देखने को मिल सकते हैं। यही हम बात करते हैं की प्लेयर की। तो अगर आप किसी भी तरह का फैंटासी लीग बनाते हो तो वहाँ पे आपको किन किन प्लेयर को पिक करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको सिमरन हेटमेयर, लिंडन सिमंस, किरण पोलार्ड, ड्वेन ब्रेवो, जैसन होल्डर में से जो भी रहेगा पिक कर लेना। विकेट जो है ये विकेट टेकर गेंदबाज हैं। इसके अलावा आंद्रे रसल, निकोलस पुरन और एडल फिटवर्ड को पिक करके चल सकते हो। और यही पाकिस्तान की तरफ से बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से आपको जो है यहाँ पे बाबर आजम, फखर जमान, शुएब मकसूद, इसके अलावा जो है रिजवान, हरीश रऊफ, हसन अली और शाहीन अफरीदी को जो है ये पिक करके चल सकते हैं। ये जो आपको अच्छा सा पॉइंट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्लेयर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हो कि ये जो प्लेयर हैं जिन पे आप रन और विकेट की जो है उम्मीद कर सकते हो, तो ये जो है आप वीडियो पॉज करके इन्हीं के सहारे जो है आप टीम बना सकते हो जो कि आपको जो है एक अच्छा सा पॉइंट जो है वो मिल सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस की दोनों टीमों का। तो वेस्ट इंडीज़ जो है रिसेंट जो मैचेस खेला है उन रिसेंट मैचों में देखोगे 5 मैचों में से 2 जीता है, 3 जो है हारे हैं। और पाकिस्तान जो है रिसेंट 5 मैचों में से जो है ये भी 2 जीता है और 3 जो है हारे हैं। और इनमें से देखो जो लास्ट के जो है मैचेज हैं ये थे वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद जो है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसमें से ये मैचेज जो है जिम्बाब्वे से हारे भी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड के। तो हेड टू हेड में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे टोटल जो है अभी तक 14 मैचेज जो है दोनों टीमें खेली है। पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हेवी पड़ता है वेस्ट इंडीज़ पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ केवल 3 मैच अभी तक जीता है,
पाकिस्तान वही जो है 11 मैच जो है वो जीत चुका है। और एवरेज आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो एवरेज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, सॉरी ये जो है वेस्टइंडीज़ का है 128, और पाकिस्तान का जो है यहाँ पे यह है 141 जो एवरेज देखने को मिल जाता है। और वही वेस्टइंडीज़ जहाँ जो है आपको फर्स्ट बैट करते हुए 2 मैचेस जीता है, वहीं पाकिस्तान जो है वो 5 मैचेस जीता है। और फर्स्ट सेकंड बैट करते हुए वेस्टइंडीज़ जो है 1 मैचेस जीता है और पाकिस्तान जो है 6 मैचेस जीता है। और विनिंग चांसेज में आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो है वो 78% 6 है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 79% है। और यहाँ पर आप जो वेस्टइंडीज़ है उसका जो है 21% है, वो आप यहाँ से भी जो है वो ग्राफ से देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है 21% वेस्टइंडीज़ का है और ये जो है 79% जो है वो आपको पाकिस्तान का चांसेस रहता है जीतने का। तो पाकिस्तान जो है T20 में काफ़ी जो है वो हैवी पड़ता है आपको वेस्टइंडीज़ के खिलाफ। अब इनके बीच में जो मैचेज हुए हैं वो देखोगे कि 2014 की बात करते हैं, अगर 2014 में 1 मैचेज हुआ था और 1 वेस्टइंडीज़ जीता था। इसके बाद बात करते हैं 16 में 3 मैचों में से 3 जो है पाकिस्तान जीता था, 17 में 4 मैचों में से 1 वेस्टइंडीज़ जीता था या 3 जो है पाकिस्तान जीता था, 18 में 3 मैचों में से जो है 3 जो है पाकिस्तान जीता था, और अभी के जो है 5 मैच से काट के जो है 4 मैचेस हो गए हैं 2021 में। तो देखते हैं जो है किस तरह से जो हो डाटा रहता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो वीडियो को जो है वो पॉज करो और ये जो है व्हाट्सअप का नंबर सेव कर लो और यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो द 100 के लिए, TNPL के लिए, इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल मैसेज चल रहे हैं उनके लिए आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और ये जो है आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है कॉल प्रिपरेशन, यहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब चलो देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम जो है वो कैसे बनाना है। तो अगर ड्रीम इलेवन टीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अगर विकेट कीपर डिपार्टमेंट में देखे नहीं है तो रिजवान जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। इसके अलावा निकोलस को भी आप पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में बाबर आजम को पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा जो है आप सीमन्स या इवन लिविंस में से जो भी रहे पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा आप फॉकर जमान को चाहो तो पिक कर सकते हो या फिर शोएब मकसूद जो है ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। यही हम बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में आपको रसल, हाफिज़, इसके अलावा जो ब्रेवो या फिर जो है आप शादाब खान में से किसी को पिक करके चल सकते हो या फिर जैसन होलर भी जो है अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में जो है आपको हसन अली, शाहीन अफरीदी, इसके अलावा जो है आप सेल्डन कोटेज को या फिर ओबेड मुकाय को जो है आप पिक करके चल सकते हो। ओबेड मुकाय भी जो है काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, आप इनको जो है पिक करके चल सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से जो है आप पिक कर लेना। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में जो है आप कैप्टन जो है बाबर आजम या फिर रिजवान के साथ जो हो जा सकते हो। वाइस कैप्टन चाहो तो आप रसल या ब्रेवो के साथ जो हो जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं रसल के साथ वाइस कैप्टन जाता हूँ या कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो है बाबर आजम के साथ जा सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो टीम प्रीव्यू और इस टीम के साथ खेल सकते हो अप टू 7 मेंबर, जहाँ पे आपको जो है बड़े आराम से जो है आप जीत सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तब हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप को जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप बाकी टीमें जो है वो आपको मिल जाएगी।